أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ يَنْوَدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ محترم حضرات و في فتن دور میں فتنے کی और उनसे बचाव के सिलसिले में सिलसिलावार दुरुस्त चल रहे हैं आज के दरस में हम लोग मालूम करेंगे कि बीवी बच्चों का फितना क्या है अजवाज औलाद का फितना क्या है अभी मैंने आपके सामने सुरतुल तगाबुन की आयत नंबर चौदह और पंद्रह पढ़ी है अल्लाह ताला ने तरमायादीन आमनू ऐमान वालो इन नमिन अजवा जिकम व औलादिकुम कुम्ल कुम तुम्हारे बाज बीवियां और तुम्हारी बाज़ औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन है आदुबल्लकुम, फह तुम उनसे चौकन्ना रहो बचो परहेज़ करो व इंतफ और अगर तुम गुजारी से काम लोगे व तस्फ़ दरगुजर करोगे व तगफ और माफ़ी का मामला अपनाओगे फ़ाल्ला गफ़ुररीम तो अल्लाह तड़ा माफ़ करने वाला रहम करने वाला है फिर वो मशहूर वरूफ़ आयत जिसको कि अल्लाह तई जगहों पर बयान फरमाया इनम अमवाल तुम व औलाद कुम फित यकी तुम्हारी औलाद और तुम्हारे अमवाल तुम्हारे लिए फितना है अल्लाह अजर नदीम और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है हज़रत बीवी बच्चे अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है जैसे कि हमने इससे पहले मालूम किया कि नबी ने फरमाया खैर मतःद्दिनमर बेहतरीन मता दुनिया के सामानों में से नेक बीवी हैं बहुत बेहतरीन मता है ये और औलाद को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत करार दिया है कि हमारी औलाद हमारे लिए ख़ी आख़रत है सदक़ा जारिया है बुढ़ापे के सहारा हैं आँखों की ठंडक है अल्लाह की नेमत है लेकिन ये दुश्मन कैसे हो सकते हैं हाँ अल्लाह ने फरमाया इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम सारे के सारे नहीं बाज बीवियां और बाज औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन हैं हजरात वाकई माने में अगर ये बीवियां और बच्चे नेक बन जाएं अच्छे बन जाएं बहुत बड़ी दौलत है बहुत बड़ी नेमत है ज़ादे आखरत है तोशाए आखरत है और अगर ये बुरे हो, बदतरीन हो बहुत बड़ी आजमाइश है बहुत बड़ा फितना है बहुत बड़े दुश्मन भी हैं क्योंकि अगर हमने इनके हकूक़ अदा नहीं किए यही यहीलाद कल क़यामत के मैदान में हमारे दामन पकड़ के अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के दरबार में हाजिर कर देगी कि अल्लाह ये मेरे वालदाइन हैं हमें सही तरबियत और तलीम का इंतज़ाम नहीं किए हमारे हुकूक अदा नहीं किए वालदाइन पर सबसे पहले ज़िम्मेदारी आयद होती है कि औलाद के हुकूक अदा करें फिर औलाद बड़े होने के बाद उन पर वालदाइन के हुकूक आयद होते हैं हजरात औलाद और अजवाज ये बहुत बड़ा फितना है प्यार नबी सही हदीस में फ़रमाया जामे सही की रिवायत है तबरानी की सही रिवायत है अन हदैफा हदयफ़ा रदी अल्लाह तु से पैर नी सल्हलम ने फ़रमाया फितना वफ़ी ही फितना वी वा ही फितना इंसान के माल में फितना है उसकी बीवी में फितना है उसके बच्चों में फितना है हर चीज में फितना है इसी तरह से बेही की एक सही रिवायत हैं प्यारे नबी अलैहि वसम के पास हजरत हसन और हुसैन रदी अल्लाह तुम तशरीफ लाएँ दोनों दौड़ते हुए सुर्ख लिबास ज़ेब तन करके तशरीफ ला रहे थे आ रहे थे बड़े हसिनो जमील और खूबसूरत लग रहे थे और दोनों बच्चे जो दौड़ते हुए आ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहा ना गया आप भी आगे बढ़ के उनको अपने सीनों से चिमट लिया और आपने प्यार व ममता करने के बाद फरमाया कौल इन नल वाला मब खला मजबाना महजाना और फिर रिवाया मब खला इन अल मब खला मजहला व महजना ये औलाद इंसान को वैन को बख़ील बनाने का जरिया है मज़बाना बना को बुजदिल बनाने वाले हैं वो मजहला वाल को जाहिल बनाते हैं महज़ाना वालदाइन के लिए हजन व गम के बाइस बनते हैं बेहतरीन हदीस है नबी ने इस रिवायत में चार अल्फाज बयान किए हैं दोनों रिवायतों को मिला लिया जाए तो चार तरह के अल्फाज हैं पहली बात बच्चों के बारे में कहा कि औलाद ये बच्चे मब खला वालदाइन को बखील बनाने वाले हैं इनके बख़ीली के ज़रिया हैं और वाकई माने में ये बखीले के ज़रिया है हमारे और आपके औलाद ने फरियाद की है ये चीज लेकर आना अबी जान, जान हमारे जेब में सिर्फ दसी रुपया है उस चीज की एक एक परेशान हाल है उसकी भी सख्त जरूरत है यहाँ पर अब हम उसको ना दे के बकील बन के औलाद की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं औलाद हमें बकील बनाने का जरिया बनती है ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं हमारी और आपकी जिंदगी में यह हादिसात होते हैं हम औलाद के लिए वकील बन जाते हैं दूसरा लफ्ज है मजबना बुजदिली का जरिया है औलाद की वजह से इंसान बसाओकात अपनी चुरतमंदी का इजहार नहीं कर पाते हैं बल्कि वो बुजदिल बन जाते हैं औलाद के फायदे में उनके फितने में मजबूर होकर बुजदिल बन जाते हैं बसाओकात तीसरा लफ्ज है मजहला जाहिल बनाने वाले ये औलाद अपने वालिदाइन को इल्म रखते हुए भी बसा उनकी मोहब्बत में उनकी चाहत में ये जाहिल बन जाते हैं और जाहिलाना काम कर बैठते हैं जाहिलाना इकदाम उठा देते हैं और जाहिलाना काम कर जाते हैं गैरों के त्यौहारों का मौका है सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं हमारे बच्चों ने भी फरमाइश की है जिद कर दी है अब औलाद अब जाहिल बन के जिहालत का सबूत देकर मजबूर होके फितने में मुबतला होके उनको भी दे देते हैं लड़कियां हैं बड़ी हो गई कुछ बोल नहीं सकते हैं मजबूर हैं ये बुजदिल बन के दयूस बन जाते हैं बेपर्दा घूम रहे फिर रहे हैं कुछ कर नहीं सकते हैं जाहिल भी बना दिए बुजदिल भी बना दिए चौथा लफ्ज है महजाना औलाद इंसान के लिए हसन गम के जरिया भी हैं। हैंद बुखार में मुबला हो जाएँ तो अब वालिदाइन तड़प जाते हैं बीमार हो जाएँ वालिदाइन परेशान हो जाते हैं अल्लाह ना करें कभी वफात पा जाएँ तो कितने गमगीन होते हैं गम से निढ़ हो जाते हैं बहरहाल ये औलाद के बारे में प्यार नबी सी बेहतरीन ताबीर हैं हजरात औलाद हमारे लिए बाईस फितना है ला तरा सरामरान की वो मशहूर व़रूफ आयत जिसमें शहवात के फितने का तस्करा है उसमें दूसरे नंबर पे यही है जुग्य नब शहवा मिनसा औरतों के बाद अलबनीन ओलाद का फितना है बच्चों का फितना है ये इंसान के दिलो दिमाग में पेवस्त और रासिक कर दी गई है इसीलिए अल्लाह तबरता ने हमें और आपको चौकाना किया कि कहीं या औलाद या मवाल यावाज ये या बीवी बच्चे हमें अल्लाह से गाफिल ना कर दें और हम फितने में मुबला ना हो जाए क्योंकि फितना किसको कहा जाता है हमने शुरू में मालूम किया हर वो चीज़ जो अल्लाह से दीन से हमें गाफिल कर दे दूर कर दें या हमें सुस्त बना दे वो फितना है अल्लाह ने इसी को फरमायामुनाफिकोन में आपने अल्लाह ने फरमाया वालो, और के से गाफिल ना कर दे और जो ऐसा करेगा कमल खासिर तो यही लोग हकी में खसारे में है नुकसान उठाने वाले हैं आखरत का नुकसान ना करो दीन का नुकसान ना करो दीन का नुकसान आखिरत का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है बहुत सारे लोग अमवाल अजवाज औलाद के फितने में मुबला होके अगर अल्लाह ने उनको बहुत माल और दौलत और इसी तरह से उनको उनके बच्चों बच्चे बहुत अच्छे दे दिए हैं औलाद दिए जे दी तो इन बीवियों की वजह से वो बेदीन बन जाते हैं और ये अच्छा या उनके लिए गोया के बाई से फितना बन जाती हैं अल्लाह ने सरतमिन में फ़रमायाबोन ही खैरा बलाश और क्या ये लोग ये समझते हैं ये तसुर करते हैं कि हमने उनमें जो माल और बच्चों में इजाफा किया हर तरह के खैर उनको दे दिए हैं बल्कि ये तो महसूस नहीं कर पा रहे हैं ये फितना है और जो लोग इस फितने में मुबला हो जाए नुकसान उठाने वाले अभी मैंने कहा सुरतू में अल्लाह ने फरमाया व तबा इल्ला खसारा और इन लोगों ने ऐसों की इतबा की है जो जिनको उनके माल और उनके औलाद ने खारे में इजाफा कर दिया हजरात ये जो औलाद और अजवाज का फितना है ये ज़्यादा वसाहत की ज़रूरत मेरे ख़्याल से ख्याल से नहीं है वाज़े है ये चीज़ हमें और आपको इससे बचना है और बचने के लिए इसका इलाज क्या है बीवी बच्चों के फितने से महफूज होने के लिए याद रखें मेरे भाइयों सबसे पहले इनको नेक बनाएं नेक जोड़ी का इंतब करें औलाद को नेक बनाएं ख़ुद नेक बने घर का माहौल नेक बनाएं और इनकी मोहब्बत अल्लाह रसूल की मोहब्बत पर गालिब ना आने पाए बल्कि हम और आप इनके फितने में मुबतला ना हो लातुल्हुम अल्लाह से हमें ये गाफिल ना करें तो याद रखिए कि हम इस फितने से महफूज हो सकते हैं दोब्ल तबरक और आपको گنا سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين